शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालय में बाउंड्री वॉल होना चाहिए, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि भदोही जनपद के भदोही ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कुरैया में पिछले 10 सालों से बाउंड्री वॉल न होने से नवनीत सहित 168 बच्चों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपके विद्यालय में क्या समस्या है? समस्या है कि हम खाना खाने बैठते हैं तो कुत्ते आ जाते हैं और हाँफने लगते हैं तो सुगंध आती है, और गाड़ी मोटर जाती है तो धूल भी आता है, और जब पढ़ने लगते हैं तो शोर भी होता है, पढ़ नहीं पाते हम लोग। आपके विद्यालय में क्या समस्याएं हैं? हमारे विद्यालय में समस्या है कि हम सब खेल नहीं पाते हैं, और खेलते तो गाड़ी मोटर आती है, और सड़क पे चोट भी लगने का डर है, खाना खाते तो कुत्ते भी आ जाते हैं। आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं? 108 संख्या सर। हमारे विद्यालय में सब ठीक ठाक है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है जो एक बाउंड्री हमारे यहाँ नहीं है, और उससे बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ उत्पन्न होती रहती है दिन प्रतिदिन। बच्चे फ्रेशर्स में खेलने कूदते हैं तो सड़क पर चले जाते हैं, बहुत ध्यान देना पड़ता है, गाड़ी मोटर साइकिल सब आती जाती हैं, और कभी एक्सीडेंट ना हो जाए इसकी हमेशा जो है डर बनी रहती है। बच्चे छुट्टियां होती हैं तो सड़क क्रॉस करके ही निकलते हैं, उस समय भी ध्यान देना पड़ता है। बाउंड्री ना होने से जानवर भी आते हैं यहाँ पर गंदगी कर देते हैं, MDM खिलाते समय जो है कुत्ता वगैरह वगैरह सब आ जाते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं। आपने कोई प्रयास किया है बाउंड्री वॉल बनवाने का? जी, सूचना दे दी गई है PRC पे, NPRC को भी सूचना दी गई है, अभी तक उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आप सूचना देते रहते हैं जी, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहेंगे बाउंड्री बन जाए, बच्चे सुरक्षित रहें, भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इस प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री वॉल बने ताकि इन बच्चों की समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि भदोही जनपद के BSA जिनका मोबाइल नंबर 94-53-00-41-99 पर कॉल कर दबाव बनाए ताकि इस विद्यालय में बाउंड्री वॉल बन सके। मैं अनिल कुमार, भदोही, उत्तर प्रदेश से, इंडिया नर के लिए।